बनाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी वेराइटीज़ है। होममेड हर्बल सोप्स का एडवांटेज ये है कि आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपको जो स्किन को सूट होता है वो ज़्यादा कर करके मैं वो हिसाब से सोप्स बनाती हूँ। आपका स्किन अगर ऑयली है, आपका स्किन ड्राई है, तो उसके हिसाब से सब कस्टमाइज कर करके सोप्स बनाती हूँ। बेसिकली इसका रेंज क्या रखा है आपने, मतलब कॉमन पब्लिक हर एक को अवेलेबल है या ज़्यादा मतलब कॉस्टली है? नहीं नहीं नहीं, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, इसके लिए जो भी सोप्स मैं बनाती हूँ वो सारे बहुत ही रीजनेबल है, कोई भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ऐसा कोई टारगेट कस्टमर नहीं है। कितने समय से आप ये कर रही हैं? ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो चुके हैं मुझे करते। और क्या इसका आपको रिजल्ट रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस पब्लिक से? ऑडियंस से रिस्पांस ये मिल रहा है कि अभी जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि मेरी स्किन टाइप वैसा है, तो मैं वो स्किन टाइप के हिसाब से बनाती हूँ, तो ज़्यादा करके लोग काफ़ी हैप्पी है अबाउट इट। तो मुझे एज फार एज़ पॉसिबल कोई कंप्लेंट्स अभी तक आई नहीं है। चलिए, अब आप आज वी के इस फंक्शन में आई हैं, आपको इस फंक्शन से कैसे जुड़ी आप इनके इवेंट से? बिकॉज़ मैंने पहले भी काफ़ी एग्जीबिशंस किया है काफ़ी सारे जगह पे, तो वहाँ से ही मुझे यहाँ का कांटेक्ट मिला, और जैसे ऐसे मुझे आइडियाज़ मिले कि कैसे सब करना है, तो फिर ऐसे मैं जुड़ गई वी के साथ। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? आज ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम अपनापन सा फील हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि मैं कोई अलग जगह पे आई हूँ या फिर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या होप है आपको चैताली के इस एसोसिएशन WVEC के साथ में जुड़कर? क्या फील दैट जितना मेरा मतलब यू नो प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आएगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज पीपल को अवेयरनेस रहेगा उनके स्किन टाइप के हिसाब से कि उनको कौन सा सोप्स किस स्किन टाइप के हिसाब से सूट होता है उसके हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। कीजिए हमारी मीडिया को। मेरा नाम मैथिली टोपलिस है और मेरी कंपनी का नाम गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट है। हम इवेंट्स और एकेडमी दोनों चलाते हैं, जहाँ पे डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, फिर गिटार या अलग अलग एक्टिविटीज ये सब सिखाते हैं छोटे बच्चों को, तो 1.5 साल से लेकर ऊपर एज के। कब से कर रही हैं आप ये? भी मीडिया से एसोसिएट अभी 30 इयर्स के ऊपर हो गया मैं मीडिया से एसोसिएट, और एकेडमी स्टार्ट करके मेरा ऑलमोस्ट 17 इयर्स कम्प्लीट हुआ। वेरी गुड। क्या रिस्पॉन्स है इसका लोगों में? रिस्पॉन्स अच्छा होता है क्योंकि बहुत लोगों को स्टेज एक्सपोजर जो कि चीज़ हम देखते नहीं है, और हम जो आर्टिस्ट से लेकर प्रोफेशनल आर्टिस्ट तक को सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, आप एक मैरिड वुमन हैं, आपकी फैमिली है, इसमें इतना कितना वक्त निकाल पाते हैं? बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए वक्त निकालने के लिए फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी होता है, जो कि 110% फैमिली का सपोर्ट है, तो दोनों चीज़ बैलेंस करने में ईजी हो जाता है। आप वी से कैसे जुड़ी? चैताली जी से थ्रू फेसबुक से कनेक्ट हुई हूँ चैताली जी से। मतलब सोशल प्लेटफॉर्म कभी कभी काफ़ी मदद कर जाता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। कैसा क्या लग रहा है आपको आज के इस इवेंट पे? सब आज के इस इवेंट पे एक अच्छी बात है कि हमको सबके अपने नए लोगों से भी इंटरेक्ट करने मिलेगा, और एक नया प्लेटफॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। एक और एक्सक्लूसिव है, उसके बाद तो फिर बाकी सब कुछ चलता रहेगा। मीडिया से मैं हूँ हेमा सरदेसाई, बहुत प्यार से जानी जाती हूँ एज आवारा भवरे गर्ल। फिर मेरा बादल पे पाँव है भी बहुत बहुत इंस्पिरेशनल माना जाता है, जो चकली इंडिया का है, और बहुत सारे गाने जिसके लिए मुझे बहुत प्यार मिलता है। हॉलीवुड में आज हूँ विद माई सिंगल, अमेरिकन सिंगल पावर ऑफ लव। हेमा जी, वी से कैसे आप जुड़ी? पहली ऐसा है कि हमारी जो चैताली जी है, शी इज़ ऑन माई फेसबुक,
और फॉर मी किसी भी वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके लिए अगर मुझे अपना टाइम देना पड़े या यू नो उनका साथ देना पड़े तो मैं हमेशा रेडी हूँ. तो जब चैताली जी ने बोला कि हेमा हेमा जी आप मूवी अवार्ड्स के लिए आइए तो इट वॉज सच हैप्पीनेस फॉर मी ऑलवेज टू बी पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. एज मीडिया ने खुद मुझे टाइटल दिया है एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड. 1998 से मैंने बहुत काम किया है गर्ल चाइल्ड के लिए. 5 इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर वुमेन इश्यूज. सो हियर आई एम. हेमा जी जब इतनी मधुर आवाज़ जब सामने हो तो कोई अपना गीत आप इसको भी अगर वीक और चैताली को तो सब इसके ऊपर बोलना चाहे तो. मैं रुक रही थी कि आप बोलेंगे मधुर आवाज़ तो आपने बोल दिया. बहुत शुक्रिया. कुछ गुनगुना दीजिए. हाँ ज़रूर. मेरा गाना जो है बादल पे बाँ है सबको बहुत पसंद है. जो लड़कियाँ हैं हमारे देश की आके बोलती हैं कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है तो उनके लिए ये गाना. सोचा कहाँ था ये जो ये माना कहाँ था ये जो ये लोग झुकी कोई काटो ना है हम होश में कदमों को खाओ ये है उड़ते जोश में. बादल पे पाँव है या छोटा काम है अब तो भाई चल पड़ी हुई की नाव है. थैंक यू. सब लव. बहुत सारा प्यार. थैंक यू. मैं यही कहना चाहूँगी कि चैताली ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है टू फेलिसिटेट ऑल द वुमेन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और बहुत अच्छी बात है. और मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ चैताली को. और सबसे पहले मैं हूँ सजनी श्रीवास्तव. मेरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. मैं हूँ एक्टर हूँ डायरेक्टर हूँ प्रोड्यूसर हूँ. मैंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कई अवार्ड्स जीते हैं और मैं अपनी बॉलीवुड मूवी पर काम करने जा रही हूँ एज अ डायरेक्टर. कुछ मैडम बताइए आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में. जैसे कि आप जानते हैं मैंने कई सीरियल्स में एक्ट किया है. काफ़ी सालों से मैंने इंडस्ट्री में काम किया है. हम लोगों ने अपनी कंपनी 2009 में ईस्ट अफ्रीका में फॉर्म की थी और जहाँ पे मैंने अपनी फिल्म्स जो डायरेक्ट की थी उन्होंने जांजीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है. और मेरी पहली फिल्म है अफ्रीका की जिसने कांस तक में नॉमिनेट हुई है वो फिल्म. और आई शुड थैंक गॉड फॉर ब्लेसिंग्स दैट आई एम द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर इन अफ्रीका हु हैज डायरेक्टेड देयर फिल्म्स और उनकी फिल्म्स को अवार्ड्स मिले हैं. सो अब मैं वापस मुंबई आई हूँ इंडिया आई हूँ और यहाँ पे अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर अपनी बॉलीवुड मूवी की तैयारी कर रही हूँ. थैंक यू. थैंक यू. Thank you.
सबका शादी होता है, वही चीज होता है कि हम लोग दोनों अकेले ही रहते हैं, वही होता है, पसंद तो आता है, मार्केट में वही होता है, सालों से कर रही हूँ मैं, सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, और सबसे जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने नाना नानी दादा दादी अडॉप्शन किया था, तो ये इसीलिए किया था कि मैं चाहती हूँ कि हम बुजुर्ग लोगों को अपने टाइम दें, प्यार दें, स्नेह दें, और जिनको नाना नानी दादा दादी का प्यार नहीं मिला वो जाके या तो अडॉप्ट करें या उनको थोड़ा सा वक्त दे जाके ओल्ड एज होम में। ये वी से कैसे आप जुड़ा हुआ, कैसे आप जुड़ी? वी तो आपको पता ही है वुमेन एम्पावरमेंट की है, तो बहुत सारे वुमेन को लोग इंकरेज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और दूसरों की ग्रोथ के लिए। क्या आज का ये इवेंट क्या खास है? खास है कि जो महिलाएं कुछ भी अपने फील्ड में काम कर रही हैं उनको और मोटिवेट कर रही है। थैंक यू। आप अखिलेश से अलग से कर लो, देखा करो चुलबुल पांडे इधर खड़े हैं। अच्छा अच्छा लोग मेरे को देखते हैं यार, आप नहीं देख रहे हो, मैं ना पड़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया फोटो देखिए।
वीडियो में भी तो आना जरूरी है ना। यस हमने यस वन मिनट में अरे मैडम मैं खोल के दिखाइए ना। इसका प्राइस कितना आएगा मैडम? बनारसी दुपट्टा ये तो सामने के हां साड़ी भी है नहीं साड़ी भी है सब चीज नहीं ब्लैक है लाइट है लाइट है कराइए मीडिया से। नमस्कार एवरीबॉडी आई एम अनीता कमल मैं एक्ट्रेस भी हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं आई एम अ डिजाइनर आल्सो And it's wonderful to see so many ladies here who are all achievers. And I'm looking forward to see ki kisne kya kis field mein kitna tarakki ki hai. And it's not just achievers. I think women sirf entrepreneurs hone se achievers nahi hoti hain. Ek maa ke taur par bhi ek achiever hoti hai. Aap is duniya mein बच्चों को लाते हैं और उनको बहुत अच्छे इंसान बनाए तो भी आपने कुछ अचीव किया। सो विमेन हियर्स अ थम्स अप टू यू। वी से कैसे आप फील करते हैं? आई एम अ मेंबर ऑफ वी। कैसा लगता है कि ये कार्यक्रम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और इट्स नाइस टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ सब डिफरेंट फील्ड से विमेन आती हैं एंड यस इट्स ग्रेट। थैंक यू शाम की खूबसूरत से शाम आप शिरकत करने आए हो वी के प्लेटफॉर्म पे। कितना खूबसूरत है ये इवेंट और ये काम, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या विशेष होगी आपकी एंटायर टीम को वी जी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट चेताली, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट क्रिएट किया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे सब वुमेन है और एक दूसरे को एम्पावर करती है। और मेरे ख्याल से ये ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे एक मिथ जो हम सब सोचते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है उसको ब्रेक किया जा रहा है बिकॉज हेयर एवरी वुमेन इज सपोर्टिंग अदर। सो ये है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पार्ट ऐसा कोई इवेंट हो जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट तो नहीं कहूँगी, वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड बिकॉज दे हैव द बूम ऑफ द यूनिवर्स, दे कैन नर्चर द नेक्स्ट जनरेशन। बट हाँ उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती है जो बहुत सारी फीमेल्स हैं अपने आप में बहुत अच्छा कर रही है बट कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे क्रिएट हुए हैं जहाँ पर उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती है एंड वी इज वन ऑफ देम। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा पार्ट इसका पार्ट बनने में। ज्यूरी एज अ ज्यूरी मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था चूज़ करने प्रोफाइल, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स थे उनमें से सिलेक्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट मेरे ख्याल से जब मेरे पास फाइनल राउंड के लिए आया था सिलेक्शन तो मेरे ख्याल से वो ऑल आर विनर्स, पार्टिसिपेशन ही विनर है अपने आप में। सो नो हार्ड फीलिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चाहेंगे इस शाम को खूबसूरत से शाम है और जहाँ शाम नहीं सुबह है हमारे लिए तो शाम ही होगी, खूबसूरत सा दिन है, खूबसूरत सी खूबसूरत सा दिन है।
खास करके यहाँ प्रिटी महिलाएं नज़र आ रही हैं बहुत सारी, और वी का ये प्लेटफॉर्म किस प्रकार का है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे शिरकत किए? जी थैंक यू सर, थैंक यू। इंट्रोड्यूस करें। या हाय, माय नेम इज मुनीमन मुखर्जी। आई एम एन इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर एंड एन इंटरनेशनल कोच। आई हैव माय कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी इज बी थ्री स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी। वी डू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स, वी डू इवेंट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन, वी डू इवेंट्स फॉर द ग्रासरूट लेवल एंड वी हैव कोचिंग सेंटर आल्सो इन कोलकाता। आप वी से कैसे एसोसिएट हैं? वी इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सो आई एम एसोसिएटेड विद दिस वी एज थ्रू चैतली। चैतली इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई एम एसोसिएटेड विद डब्ल्यू ई फॉर द लास्ट टू ईयर्स। आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, की व्हाट टाइप ऑफ इंस्पिरेशन विल बी फॉर फीमेल्स और अदर गर्ल्स? Thank you. Funny proprietor of Dimco Soap, Dimco Industry. हमारी कंपनी है जो सोप डिटर्जेंट और फैशन की और प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर एंड वी ऑल्सो डू ट्रेडिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और मेन ब्रांड है डिम्को शिकाकाई सोप वेल एंड नीम सोप लिमिटेड। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमन टू वुमन इंटरेक्शन बिटवीन वुमन टू वुमन एंड the business is what they do, they enhance the business with each other. Interaction is there and they give a good platform which gives a lot of, you can say, a platform which gives a strength to all the women. Very nice. Aaj ke is event mein kya khaasiyat hai? The bonus event hai, very, very well organized by Chaitali Madam and well, I don't have more to say, but the best part of it is it's a wonderful platform for creativeness, learning and enhancing business. Harish ji, एक अभी हाल ही में नासिक में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था जिसमें निम्को इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, क्या था वो थोड़ी सी जानकारी दें उसके बारे में नासिक का? तो ये कृषि उत्सव था डोंगरे मैदान, वी हैड पार्टिसिपेटेड इन अ वेरी बिग वे एंड वी कम फॉर निम्को सेल्स प्रमोशन के लिए आता है सब जगह पे एंड वी वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर निम्को ब्रांड विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1962। और फ्यूचर में निम्को के किस प्रकार के काम हैं और या कुछ इस तरीके का निम्को लेकर आ रही है पब्लिक के लिए? सर, निम्को एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो एसोसिएटेड कंपनीज है लाइक सोनी इंटरनेशनल, सोनी सोप कॉस्मेटिक, ये हम सब मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, गोदरेज सोप, मेडिमिक्स, दीज ऑल ब्रांड्स वी हैव मैन्युफैक्चर्ड इन द पास्ट। ये हम ही बनाते रहे, 35 साल से हम बना रहे हैं। जितने भी फाइव स्टार होटल्स में आप सोप देखते हो, फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स वी हैव बीन मेकिंग फॉर ऑल द फाइव स्टार लीडिंग फाइव स्टार होटल्स एंड निम्को इज नॉट ओनली इन सोप, इट इज ऑल्सो इन टू एफएमसीजी सेक्टर। रिसेंटली हमने एक फ्लैश टूथपेस्ट लॉन्च किया है मार्केट में विच इज फुली ऑर्गेनिक एंड वेल, वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट। वी ऑल्सो डू शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश, बॉडी वॉश, जेल, कंडीशनर एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पर इन मीडिया से इंट्रोड्यूस करूँ, मैं इशिका अमरलानी, के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे वुमेंस को अंडर वन रूफ दे कम एंड ग्रो इवॉल्व एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरीबॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर फील्ड दे आर। सो गुड वुमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, बहुत अच्छा।
थैंक यू थैंक यू डायरेक्ट के सीधा आपसे सवाल करते हैं। ये एक बहुत माहिर प्लेटफॉर्म है और फिल्म के लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट देम। आज भी हमारे जो आर्टिस्ट और गेस्ट सपोर्टर्स वगैरह आए हैं दे आर ऑल रोल मॉडल्स इन दिस सोसाइटी सो दिस इज अ ग्रेट मॉर्निंग ऑफ सेलिब्रेशन। What do you think about this जो लोगों को नई नई मतलब बिजनेस कर रही है औरतों को सपोर्ट कर रही है इससे कितना फ़ायदा होगा उनको? ये जो जमाना चल रहा है never before the world been so supportive of women. So women if you're looking at this program this is the time for you to finally come forward and shine and inspire others and just reach your highest potential. करण जी आप एक गायिका हैं बड़ी खूबसूरत गायिका हैं आपकी आवाज़ भी बड़ी मधुर है इस प्रोग्राम के लिए आपको अगर अपना कोई गीत दो लाइन गाना हो तो कौन सा गीत सुनाएंगे? जिसकी हम लोग थैंक यू भाई पीछे आइए सर मोहताज नहीं आप मेरा नाम वी के बारे में क्या कहेंगे? वी के बारे में ये कहना है कि इट इज आई सेड ना सिस्टर हुड इज सेलिब्रेटिंग अदर वुमेन हु आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड सी व्हाट हैपेंस इज नॉट जस्ट हैव ड्रीम्स नॉट टू डू समथिंग बट वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम हाउ टू मूव द थिंग सो प्लेटफॉर्म लाइक दैट हैपेंस इज हैव 10 12 15 पीपल टुगेदर इन अ सर्कल व्हिच इज इन gives everybody a support and like you know and the determination and the inspiration. Thank you. Pumping हाँ जी. Yes. अरे उधर चलते रहो तो मेरे को भी. So we, this dynamic company we entrepreneurs enclave is an interactive platform for promoting and supporting women entrepreneurs. From different backgrounds, and it is a brainchild of Chaitali Chatterjee. So let's welcome Chaitali. Thank you.
मैम वी जस्ट डू अ ग्रुप पिक्चर हां चलो थोड़ा पर जितनी भी अवार्ड मिले उन सबको बुला मैं अवार्ड आगे सब सब आएंगे यस सेंटर मैम चलो आ जाओ सब यस रेडी गर्ल्स यस गाइस पीछे कर ही रहो तुम्हें मांगो ना एक मिनट यार डन।